सब्सक्राइब करें ज्योतिष SPS चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद, जो आप हमारी वीडियो देखने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो भाग्य रेखा क्या होती है? भाग्य रेखा भाई, कौन नहीं चाहता कि उसका भाग्य चमके, पर मेहनत करने के बाद भी, स्ट्रगल करने के बाद भी किस्मत नहीं चमक पाती, वो सफलता नहीं मिल पाती जो वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो आपके हाथ में आप देखना शुरू कर देते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं भी भाग्य रेखा कहाँ पर है, ये कैसी होती है, कहाँ तक होनी चाहिए और क्या होगा अगर ये रेखा ऐसी हो तो किस तरीके से उनका भाग्य चमकेगा। तो यही सभी सवाल होते हैं हमारे मन में, तो इन्हीं सभी सवालों का है जवाब इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी ऐसी ही हस्तरेखाओं से रिलेटेड वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, पहले देख जरूर लीजिएगा। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले कुछ सावधानियां कि अगर आप अपना हाथ देख रहे हैं, लड़के राइट देख लीजिएगा और लड़कियां लेफ्ट देख लीजिएगा। अगर लड़कियां कामकाजी हैं, बिजनेस वुमन हैं, तो वो अपना राइट ही देखें। तो यहां पर हम बेसिक सी जानकारी पहले ले लेते हैं कि अगर हम हस्तरेखाओं को देखें तो यहां पर ये है भाई आपकी हार्ट लाइन, और ये है आपकी माइंड लाइन, और ये है आपकी लाइफ लाइन। तो ये तीन रेखाएं हैं जो सबसे ज्यादा हमारे हाथ में दिखती हैं, और ये थोड़ी मतलब डार्क भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। तो यहाँ पर सवाल निकल के ये आता है कि भाई हमारी भाग्य रेखा कहाँ पर होती है? इन रेखाओं के बगैर और भी काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो हमारे हाथों में बनी होती हैं, कटी फटी, टूटी फूटी, टेढ़ी और मतलब कई तरीके की होती हैं, पर भाग्य रेखा कौन सी है? तो पहले भाग्य रेखा को हम जान लेते हैं। आपकी जो अनामिका उंगली है, जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं, उसके नीचे जो है भाई सूर्य पर्वत होता है। है ना, देखिए जो आपका सूर्य पर्वत है ना, उस सूर्य पर्वत पर आपकी जो लाइफ लाइन से, यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, पर ज्यादातर हम भाग्य रेखा को जो देखते हैं, जो मतलब कहते हैं ना भी 90% से ज्यादा श्योर हो, वो आपकी लाइफ लाइन से शुरू होगी, और जो शुरू होगी वो ऐसे जाएगी सीधी। और अगर आपकी भाग्य रेखा को सूर्य पर्वत टच कर जाए तो भाई समझ लीजिए ऐसी जो सीधी रेखा, कटी फटी ना हो, बीच में टूटी फूटी या टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सीधी जाकर भाई सूर्य पर्वत को टच कर जाए, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य जो है वो 90% चमकेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात निकल के ये आती है कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, मतलब भाई सरकारी नौकरी तो एक सिक्योर्ड नौकरी है और हर कोई इसे पाना चाहता है, यही एक सफलता की सीढ़ी है आजकल के नौजवान लोगों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में भी, अगर ये रेखा जो मैंने आपको पहले बताई सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो डायरेक्ट ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। भाई देखो, करना तो पड़ेगा, बिना कुछ किए, बिना कुछ यत्न किए तो कुछ भी नहीं मिलता, पर कम मेहनत में ही आपको सरकारी नौकरी 90% श्योर है कि पक्का मिलेगी ही मिलेगी। पर शनि पर्वत की ओर अगर ये रेखा जाती है तो आप अपने बड़ों का जो बिजनेस शुरू किया हुआ है वो करेंगे, या फिर खुद का बिजनेस करेंगे, या फिर किसी प्राइवेट जगह पर नौकरी करेंगे। और इसी के साथ तीसरी और आखिरी इस तरफ मुड़ने वाली रेखा, इस रेखा में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, पर चांसेस यहाँ पर 50-50 हैं, क्योंकि मेहनत के बल पर ही आपको वो सब मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके हाथ में भी कुछ ऐसी रेखाएं हैं, आपकी लाइफ में भी जो बातें मैंने बताई वो मैच करती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।
मिलेंगे इसी जगह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।